गर्मी से अगर आपका हाल बेहाल है तो सत्तू का उपयोग आपके लिए काफी कारगर हो सकता है। बिहार में सत्तू का प्रयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। सत्तू के पराठे, सत्तू की कचौड़ी और लिट्टी चोखा का नाम तो आपने सुना ही होगा। सत्तू से बने ये व्यंजन स्वाद और सेहत दोनों के लिए बेहतरीन होते हैं। गर्मियों में लू से बचना भी एक बड़ी चुनौती होती है। अक्सर लोग लू की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। गर्मियों में सत्तू को पानी में डालकर पीने से लू से बचा जा सकता है। साथ ही सत्तू का इस्तेमाल कई रोगों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। सत्तू खाने से न सिर्फ डायबिटीज जैसे रोग ठीक होते हैं बल्कि मोटापे से भी निजात मिलती है। तो चलिए हम आपको सत्तू के कुछ ऐसे गुण बताते हैं जो गर्मी से बचने में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। सत्तू में होते हैं कई पोषक तत्व। दरअसल सत्तू में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर्स, आयरन, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे में सत्तू का सेवन करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, इसलिए सत्तू सेहत के लिए रामबाण माना जाता है। गर्मियों में लू लगने का डर सबसे ज्यादा होता है। सत्तू से शरीर को ठंडक मिलती है, अतः सत्तू का प्रयोग हमें लू की चपेट में आने से बचाता है, पेट की बीमारियों से बचाता है सत्तू। गर्मियों में सत्तू का सेवन करने से शरीर ठंडा रहता है, क्योंकि सत्तू का सेवन करने से शरीर का तापमान कंट्रोल रहता है। यही वजह है कि सत्तू पीने से गर्मियों में पेट की बीमारियां दूर होती हैं, जबकि सत्तू से पेट और शरीर को ठंडा रखा जा सकता है, इसलिए गर्मियों में सत्तू पीने की सलाह दी जाती है। शरीर में नहीं होती है एनर्जी की कमी। सत्तू का सेवन करने से शरीर में एनर्जी का लेवल मेंटेन रहता है। सत्तू से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। सत्तू में पाए जाने वाले मिनरल्स शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जबकि सत्तू में पाया जाने वाला प्रोटीन भी लीवर के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में गर्मियों के मौसम में शरीर को एनर्जेटिक रखने के लिए सत्तू का सेवन करना चाहिए। तो अगर आपको पसंद है सत्तू, फिर आलस किस बात की, आज से ही अपने भोजन में इसका प्रयोग करना शुरू कर दें।